दोस्तों, आज हम रेडियो और टीवी पर कितने ही प्रोग्राम्स देखते हैं और सुनते हैं, पर जिनको हमने सबसे पहले देखा जब हम छोटे छोटे होते थे, हमने उनको बड़े बड़े स्टार्स को इंटरव्यू करते हुए और जिस अपनेपन के साथ स्टार्स उनसे बात करते थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई टेलीविजन का प्रोग्राम चल रहा है। ऐसा लगता था कि चाय पर बैठकर दोनों बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ होस्ट नहीं थी, उनकी सह कलाकार भी रह चुकी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तबस्सुम जी की, जो आज 19 नवंबर के दिन हम सबको छोड़कर चली गई। हम बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं, बनाते हैं, बॉलीवुड की बातें करते हैं, लेकिन बॉलीवुड की बहुत सारी बातें जानने के लिए आज हमारे पास बहुत जरिए हैं। लेकिन उन दिनों तबस्सुम जी जिस डिटेल के साथ पेश करती थी अपने प्रोग्राम को और जो जानकारी उनको थी, वो शायद ही आज किसी को होगी। हमने दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान, सभी को उन्हें इंटरव्यू करते देखा है। छोटे या बड़े कलाकार हो, कोई भी कठिन सवाल पूछते हुए उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नजर नहीं आती थी। जिस नायाब अंदाज और मुस्कुराते हुए खिले हुए चेहरे से वो बात करती थी, ऐसा लगता था कि अगर वो कड़वा भी बोलेंगे, शहद की तरह मीठा लगेगा। उनके सामने बैठे हुए हर कलाकार, हर व्यक्ति को बहुत आनंद आता था। उनके सवालों के जवाब देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे वो। लगता था जैसे सामने बहन बैठी है या भाभी बैठी है या कोई दोस्त बैठी है। यही कारण था कि हिंदुस्तान में टेलीविजन का पहला टॉक शो उन्होंने ही शुरू किया और 22 साल से ज्यादा ये प्रोग्राम चला। सन 1972 से 1993 तक दूरदर्शन पर फूल खिले हैं गुलशन गुलशन और बाद में तबस्सुम टॉकीज कौन भूल सकता है। आज भी उनके प्रोग्राम देखने शुरू करें तो ये नहीं है कि हमारा ध्यान कहीं और चला जाए। जब तक हम वो प्रोग्राम पूरा नहीं देख लेते, तब तक हम उस प्रोग्राम को बीच में छोड़ते नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम इंटरेस्टिंग होता है। साथ ही जिस तरह से तबस्सुम जी उस प्रोग्राम को पेश करती थी, जिस तरह से वो बात करती थी, जो उनकी स्माइल थी, बस देखते ही बनता था। सेलिब्रिटीज की बातों से भी ज्यादा बस उनकी दिलचस्प बातों का लोग पूरा पूरा मजा लेते थे और उनमें खो जाते थे। अब तो खैर उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, उन्हें हम कभी भुला भी नहीं पाएंगे। उन्हीं की प्रेरणा के साथ, उन्हीं के दिखाए गए कितने ही रास्तों पर चलकर आने वाली पीढ़ी इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए उनको याद रखेगी। प्रभु ईश्वर अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, वो हमारे जहन में और हमारे दिलों में सदा जीवित रहेंगे। हम उनके परिवार से संवेदना रखते हुए उनसे दुख साझा करते हैं। उनके परिवार में अल्लाह उनको हिम्मत दे, भगवान उन्हें हिम्मत दे कि उनके जाने के बाद उनके इस गम को वो सह पाए, उन्हें खुशी खुशी याद रखें, क्योंकि जो जीवन उनका रहा वो हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते लोगों के दिलों में अपनी जगह बना के गई है। तबस्सुम का मतलब है मुस्कुराहट, यानी कि स्माइल। बस इसीलिए मैं मुस्कुराती रहती हूँ और ये सोचती हूँ कि जब तक जिंदा रहूँ, जब तक किसी के साथ रहूँ, उसे खुशियाँ दूँ, ताकि थोड़ी देर के लिए जब तक वो मेरे साथ है, अपनी जिंदगी में अगर उसके कोई प्रॉब्लम है, गम है, दुख है, तो वो भूल जाए। इसी उम्मीद के साथ कि तबस्सुम जी हमेशा हमारी यादों में ताजा रहेंगी, भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ मैं अफजल आपसे विदा लेता हूँ। आखिर में जाते जाते बस यही कहूंगा तबस्सुम जी को याद करते हुए कि तबस्सुम जी, आप बहुत याद आओगे, बहुत याद आओगे।